असलम स्टूडेंट्स अगर सोशल इंटरप्रेन्योर को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की किसी स्टेज पर रियली रियली स्ट्रेटेजिक होने की ज़रूरत है तो वो है कॉम्पटिशन एनालिस होता क्या है हम समझते हैं कि सोशल इंटरप्रन चूँकि सोशल गुड के लिए काम कर रहे हैं एक अच्छे कोस के लिए काम कर रहे हैं तो यूजअली सब लोग उनके साथ कोऑपरेट करेंगे उन्हें सपोर्ट करेंगे लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स एक वैल्यू चेन का हिस्सा है एक मार्केट है उन गुड्स और सर्विसेज की जो वो डिलीवर कर रहे हैं मतलब वो एक मार्केट में हैं जहाँ पे और कंपेटिटर्स यानी और सोशल एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं जो के वही गुड्स या सर्विसेज या उससे मिलती जुलती गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं या उसी प्रॉब्लम को किसी और तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑफ़ कोर्स हम थ्रू आउट दिस कोर्स ये बात करते आए हैं कि रिसोर्स हमेशा कम होते हैं वो जितने भी हों वो कम होते हैं तो ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर को अपने लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सिस को किसी एक ऐसे अनड्यू कंपटीशन में डालने की ज़रूरत नहीं है वो उनको रिस्क नहीं करना चाहेंगे तो उसको कंपटीशन एनालिसिस जो है वो करना है अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर कि क्या कौन लोग हैं जो ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहे हैं क्या कोई इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस नीड को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हमने ऑप्ट किया है क्या कोई और लोग ज़रूरी नहीं है उनका मकसद प्रॉब्लम सॉल्विंग या माशरे में कॉन्ट्रीब्यूट करना हो लेकिन वो उस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं जो कि हम सोच रहे हैं जिसके ज़रिए से हम उस सोशल कॉज को अचीव करेंगे और एन मुमकिन है कि सेम बेनिफिशरी ग्रुप हो कि उस ग्रुप को पहले भी कोई सोशल एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्व कर रही हो हो सकता है मार्केट जो है रॉ मटेरियल की गुड्स और सर्विसेज के लिए वो सेम हो वही पूल ऑफ जो कॉम्पिटेंट पीपल है जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉई है उसको आपका कम्पटिटर जो है वो अट्रैक्ट करना चाहता है और उसी पूल से आपको लोगों की ज़रूरत है एक ख़ास किस्म की एक्सपर्टीज़ की किसी सर्विस को देने के हवाले से तो ये कंपटीशन एनालिसिस जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि बिज़नेस एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने कम्पटिटर को मार्केट से आउट कर देना चाहता है सोशल जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको अपने कंपेटिटर को बाहर नहीं करना चाहता लेकिन वो उसको पीछे ज़रूर छोड़ना चाहता है वो उससे कुछ डिफरेंट करना चाहता है क्योंकि याद रहे दोनों सोशल गुड के लिए काम कर रहे हैं दोनों सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में अपने रिसोर्सेज अपनी एनर्जी को उसको मार्केट से बाहर निकालने में कम्पटिटर को कोई फायदा नहीं है उसमें किसी का भी ना पर्पस का ना माशरे का ना आपका ना कंपेटिटर का ऐसे में जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि किस तरह से उससे आप आगे निकल सकते हैं या उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सादा लफ्जों में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जबान में इनोवेट किस तरह कर सकते हैं कि आपको एक कम्पटिव एज हासिल हो जाए अपने कम्पटर्स के ऊपर इस हवाले से सोशल एंटरप्रेन्योर जब स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको अपने आप से या कुछ सवालों को सामने रखना होता है जो उनको हेल्प करते हैं डिसीजंस करने में कंपटीशन के हवाले से सबसे पहले क्या सोशल सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो वो देने जा रहे हैं उससे मिलती जुलती या उसके सेम तो सर्विसेज का एक एनालिसिस के मार्केट में क्या कुछ मौजूद है क्या वो कामयाब हैं क्या वो पॉपुलर हैं क्या उनकी डिमांड है ये वो सवाल हैं जिनके लिए डाटा अमूमन मौजूद होता है और सोशल एंटरप्रेन्योर उस डाटा को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करते हुए तय कर सकता है कि क्या अपनी सर्विस को उसे इनोवेट करने की ज़रूरत है क्या उसकी सर्विस या प्रोडक्ट ऑलरेडी वर्क है क्या उसे जो उसका टारगेट है उसे चेंज या शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो ये डिसीजन जो है वो इस स्टेज पर होता है अगला फैसला जो है वो सर्विस प्रोवाइडिंग जो मॉडल है उसके हवाले से है अगर चीज़ उसने अपना मॉडल ऑलरेडी तय कर लिया है कि उसका बिज़नेस मॉडल क्या होगा लेकिन जब वो कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स कि उसके जो कंपेटिटर्स हैं या पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं वो कौन से मॉडल सर्विस डिलीवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनको उससे क्या फ़ायदा है या क्या चीज़ें उनकी जो हैं वो वीक हैं तो वहाँ से लेसनस लर्न करके वो अपने मॉडल को अडेप्ट या शिफ्ट कर सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू एंटर हो रहे हैं जो अभी प्लानिंग की स्टेज पर हैं उन्हें ये एडवांटेज है कि उन्होंने ऑलरेडी कोई रिसोर्स कमिट नहीं किए वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अपना मॉडल जो है उसे शिफ्ट या अडेप्ट कर सकते हैं इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर इस स्टेज पे अपने आप से पूछता है या पूछती है कि व्हाट इज़ डिस्टिंक्टिव अबाउट माय इनिशिएटिव क्या चीज़ अलग है सर्विस की नेचर अलग है प्रोडक्ट अलग है मेरा बिजनेस मॉडल फ़र्क है मेरे काम का तरीक़ाक या मेरे पास जो कंपेटेंसीज या मेरे पास जो टीम है वो फ़र्क है मेरा टारगेट बेनिफिशरी ग्रुप जो है वो अलग है या मेरी लोकेशन फ़र्क है क्या चीज़ उसे बाकियों से अपने कंपेटिटर्स से अलग करती है डिस्टिक करती है ये जो डिफ्रेंशन है या डिस्टिंक्शन है यही उसका कंपेटेटिव एज बनता है मार्केट के अंदर मार्केट एनालिसिस के हवाले से ज़रूरी है कंपटीशन एनालिसिस के हवाले से ज़रूरी है कि सोशल एंटरप्रेन्योर इन चीज़ों को कंसिडर करें फिर रिसोर्स रिसोर्स लिमिटेड हैं सोशल एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेटजिकली इस स्टेज पे प्लानिंग की स्टेज पे एनालाइज करना है कि उसके काम से रिलेटेड रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल हैं कितने रिसोर्स हैं और जो हैं उनका कितनी रेशो जो है वो उसको पोटेंशली मिल सकती है ड्यू टू इनोवेटिवनेस ऑफ आइडिया ड्यू टू नेचर ऑफ़ न्यूनेस ऑफ सर्विस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बेनिफिशरीज या लोकेशन के जो चीज़ें उसकी फ़र्क हैं उसकी वजह से मार्केट में टोटल जितना कैपिटल अवेलेबल है जितनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है उसमें कितना हिस्सा जो है वो पोटेंशली उसका होगा ये हिस्सा जो है उससे मेरी मुराद ये नहीं है कि बैंक लोन या ग्रांट सिर्फ उससे मुराद ये है कि सोशल एंटरप्रेन्योर के अपने प्लान की कैपेसिटी क्या है कि वो कितने रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकता है या कर सकती है तो ये देखना उसके लिए प्लानिंग की स्टेज पर ज़रूरी है और वही प्लान स्ट्रेटजिक है जो इन सारे इश्यूज को एक दफ़ा कंसिडर कर ले अगर एक सोशल एंटरप्रेन्योर अपना कंपटीशन एनालिसिस जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कर ले तो उसको प्लानिंग की स्टेज पर ही एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है जिसका मतलब है कि उसका जो इम्पेक्ट है उसके ज़्यादा होने के इम्कान हैं